डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि जानते हैं हम लोग, टेंथ क्लास के मैथमेटिक्स में मैथ के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चंस। हालांकि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक के 14 नंबर क्वेश्चन तक के सॉल्यूशन किया है, आइए देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, आप यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाती है। मीनार के पाद का मतलब समझ रहे हैं, मीनार का आधार, नीचे वाला बिंदु, ठीक है। सीधा राजमार्ग, राजमार्ग का मतलब होता है रास्ता। तो मान लीजिए कि एक सीधा राजमार्ग जो है, यहाँ से रास्ता जो है चला, और ये रास्ता कहाँ तक जाके रुक गया, तो मीनार के पाद बिंदु तक। यानी कि जो रास्ता है वो ये है हम लोगों का मीनार, मीनार के पाद बिंदु तक ये जो राजमार्ग है वो जाता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सेम हम लोगों को अगर फिगर समझ में आ जाए तो फिर बनाने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम एक मीनार बनाएं, एक राजमार्ग यानी कि रक रास्ता बनाएं जो कहाँ जाकर इंड होती है, कहाँ तक जाती है, तो मीनार के पाद तक जाती है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तो मीनार के शिखर पर एक व्यक्ति खड़ा है, तो मीनार का तो शिखर यहाँ तक है, ठीक है। अब यहाँ से एक व्यक्ति खड़ा है, देख लीजिए, ये हम लोगों का यहाँ से एक व्यक्ति खड़ा है, मीनार है ये। मीनार कहाँ से कहाँ तक है भाई, तो यहाँ से यहाँ तक। अब मीनार के शिखर पर एक व्यक्ति खड़ा है, देख पा रहे हैं, मीनार पर एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। अब ये मीनार पर एक व्यक्ति, एक आदमी, शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनमन कोण पर देखता है। याद रख लीजिएगा कि कौन देखता है, तो मीनार पर खड़ा आदमी यानी कि यहाँ से देखता है, समझ में आ रहा है, एक कार को। तो मान लीजिए कार ये है, ये हम लोगों को कार है, एक कार को देखता है कौन, एक आदमी। तो आदमी के आंख से इसका अब बोल रहा है कि अवनमन कोण 30 डिग्री है भाई। यहाँ पे देखिए खड़ा एक आदमी 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, तो अवनमन कोण कहाँ होता है, तो अवनमन कोण ऊपर होता है 30 डिग्री, ठीक है। तो जब ये वाला अवनमन कोण हो गया, अवनमन कोण हमेशा ऊपर होता है, तो एकांतर अंतः कोण से जानते हैं कि 30 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है आगे देखते हैं, अवनमन कोण जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कार कहाँ जा रहा है, तो मीनार के पाद तक जा रहा है, यानी कि इधर से आ रहा होगा कार, ठीक है। अब यहाँ से बाद कहाँ कार जाएगा, तो हमेशा मीनार तक जाएगा, मीनार तरफ जाएगा। तो बोल रहा है कि एक समान चाल से चलते रहता है कार और मीनार के पाद तक के जाता है। 6 सेकेंड के बाद कार का जो अवनमन कोण है वो 60 डिग्री हो जाता है। अभी तो कार यहाँ है, जैसे ही मान लेते हैं कि 6 सेकेंड बीत गया, 6 सेकेंड में मान लिया जाए कि कार जो है यहाँ से यहाँ तक आ गया, कितना सेकेंड में, 6 सेकेंड में। तो ये 6 सेकेंड को उची दिया है समय, है ना। तो अब जो है कार यहाँ आ गया है, ये मान लिया जाए कि कार है। जब ये कार 6 सेकेंड में यहाँ आ जाता है, तब बोल रहा है कि अवनमन कोण अब कितना हो जाता है, तो अब अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। तो अवनमन कोण 60 है, तो अवनमन तो ऊपर ना होता है, तो यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री हो गया। तो जब यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा हम लोगों को 60 डिग्री, ठीक है। तब क्या बोल रहा है, 60 डिग्री हो जाता है। फिर क्या बोल रहा है,
इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यहाँ से ये लेकर यहाँ तक समय निकालना है। ठीक है, तो हम लोग को सवाल यही बोल रहा है कि अब जो है इस कार को 60 डिग्री वाला के बाद पाद तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो ऐसा करते हैं, इसको हम लोग नाम दे देते हैं। ठीक है, नाम क्या क्या दे देते हैं, तो इसको नाम दे देते हैं ए, बी, इसको नाम दे देते हैं सी, इसको नाम दे देते हैं डी। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रायंगल जितना भी बन रहा होगा हम ए बी सी डी ये सब हम नाम दे दिए। सबसे पहले यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल में चलेंगे, सबसे पहले त्रिभुज में चलेंगे, छोटा वाला त्रिभुज ए बी सी, यानी कि त्रिभुज कौन सा में, ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में आप चलिएगा तो हम लोगों को थीटा कितना दिया है, तो थीटा दिया है भाई 60 डिग्री, लिख लो 60, है ना। अब 60 के सामने वाला तो होता है पी, नहीं इसके सामने हो गया पी, तो पी का मान कौन सी, तो ए बी। ठीक है, और बी कितना, बी बी माने नीचे वाला, नीचे वाला बी सी। ध्यान रखिए हमको समय निकालना है। ठीक है, बी सी, अब यहाँ से आप लगाइएगा टेन थीटा बराबर पी बटे में बी, थीटा कितना 60 डिग्री, तो टेन 60 बराबर पी कितना, तो ए बी बटा में बी सी। और टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान होता है √3 बराबर में ए बी, ए बी कितना, तो ए बी का ए बी रख देंगे, हमको तो पी के जगह पे ए बी है और इसको रख देंगे बी सी। ठीक है, अच्छा हम इसको तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो बी सी √3 बराबर में ए बी होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको बटा वन करके तिरछा तिरछे गुना कर दीजिए, तो √3 को बी सी से गुना करेंगे तो बी सी √3, और वन को ए बी से गुना करेंगे ए बी। इसलिए यहाँ पे हम लोगों को निकल गया क्या, इसलिए बी सी का मान पता चल गया कि बी सी का मान कुछ होगा भाई, तो ए बी बटा में √3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के दूरी हमको पता चल गया कि बी सी का मान कितना आएगा, ए बी बटा में √3। अच्छा फिर कुछ ही चलना है आपको, एक बड़ा त्रिभुज में चलना है, अभी तो हम छोटा त्रिभुज में चल रहे थे ए बी सी में, अब हमको चलना है बड़ा वाला त्रिभुज में। तो बड़ा वाला त्रिभुज में क्या है, तो त्रिभुज ए बी डी में, तो ए बी डी में चलेंगे तो थीटा कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री, और इसके सामने वाले को पी कहते हैं, तो पी कितना होगा, तो ए बी, तो पी है ए बी। और बी कितना होगा जरा बात कर लेते हैं, आधार, तो आधार यहाँ से लेकर यहाँ तक ना, यानी कि डी सी प्लस बी सी, आधार तो टोटल बी डी बोलिए चाहे डी सी प्लस बी सी बोलिए, तो हम इसको लिख लेते हैं डी सी प्लस बी सी। ठीक है, अब यहाँ से लगाइए आप टेन 30 बराबर कौन सी, पी बटा में बी, तो पी कितना है ए बी, और बी कितना है, तो डी सी प्लस बी सी। ठीक है, अब टेन 30 का मान कितना होता है, तो 1 बटा में √3 बराबर ए बी बटा डी सी प्लस बी सी। क्लियर, अब क्या करेंगे, इसको तिरछा तिरछे गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो डी सी प्लस बी सी को एक से गुना करेंगे तो डी सी प्लस बी सी होगा, यानी कि कुल मिलाकर हम यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि डी सी प्लस बी सी को 1 से गुना कीजिए तो वही रहेगा, और ए बी को √3 से गुना कीजिए तो ए बी √3 हो जाएगा, यानी कि डी सी प्लस बी सी बराबर ए बी √3। ठीक है, अब यहाँ के बाद क्या करेंगे कि डी सी है और बी सी है, तो हम लोग यहाँ बी सी के मान निकाले हुए हैं, कितना है बी सी के मान भाई, तो ए बी बटा में √3, तो ई वाला जो बी सी के मान है यहाँ पे रख देते हैं, तो ये तो डी सी का डी सी रहेगा। ठीक है, और ए बी सी के जगह पे ए बी बटा में
रूट 3 रख देते हैं, और बराबर के बाद ए बी रूट 3 है। अब डी सी का मान निकालना है, तो ये प्लस में ए बी बटा रूट 3 है, उधर जाएगा तो कौन सी में होगा, माइनस में, तो ए बी रूट 3 माइनस में कौन सी, ए बी बटा रूट 3। तो ए बी रूट 3 है तो इसके नीचे एक तो लगा सकते हैं। चलो डी सी बराबर एक और रूट 3 का एलसीएम कितना होगा, तो रूट 3, एक से रूट 3 बार में कटेगा, रूट 3 और रूट 3 गुना करके 3 AB होगा, और माइनस रूट थ्री एक बार में कटेगा तो ये हो जाएगा AB, है ना। इसलिए भाई DC का वैल्यू हमको पता चल गया 2 AB बटा में रूट 3। ठीक है, देख लो DC कहाँ से कहाँ तक, तो हमको DC E वाला है, ठीक है, तो DC के लिए हमको समय भी दिया है और DC के लिए हमको दूरी भी पता चल गया। नहीं तो अब हम लोग बात कर लेते हैं DC के लिए, दूरी जो है, दूरी DC के लिए, अब दूरी DC के लिए जरा बात कर लेते हैं। तो दूरी कितना है DC का, तो दूरी है 2 AB बटा में रूट 3, और DC के लिए हमको समय भी सवाल में दिया है, समय कितना है भाई 6 सेकेंड। तो दूरी जब दिया है, समय दिया है, तो हम चाल नहीं निकाल सकते हैं, कार की चाल, कार की चाल, तो कार की चाल कितना हो सकता है, तो चाल बराबर होता है, फॉर्मूला हम लोग याद रखे हैं, पहले पढ़े होंगे, दूरी बटा में समय होता है, चाल बराबर फार्मूला होता है, दूरी बटा में समय। तो दूरी कितना है भाई, तो 2 AB बटा में रूट 3 और बटे में कौन सी 6। नहीं अब हम लोग ऐसा रहता है तो रूट 3 नीचे आ जाता है, जब ऊपर अगर 2 ठो रहता है, नीचे 1 गो रहता है ना, तो ऊपर वाला का जो हर है वो नीचे आ जाता है, यानी कि 2 AB बटा 6 रूट 3। ठीक है, और 2 जो है 3 से कट जाएगा, तो इसलिए हमको चाल पता चल गया कि चाल कितना होगा, AB बटा में 3 रूट 3, चाल हमको पता चल गया। ठीक है, अब हमको चाल पता चल गया तो सवाल कौन सी बोल रहा था पता है, कि BC के लिए यानी कि इस कार को मीनार के पाद तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये हमको सवाल बोला जा रहा था। तो हमको क्या निकालना है, BC के लिए जो है समय निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको BC के लिए समय जो है निकालना है, समय व्हाट है BC के लिए। तो सबसे पहले BC के लिए अगर हम बात करें तो BC का दूरी कितना है, BC का दूरी कितना है, तो BC का हम दूरी पहले ही निकाल चुके हैं, AB बटा में रूट 3। तो इसको लिख लीजिए, दूरी जो है AB बटा में रूट 3 है, और चाल अभी हमको पता चल गया कि कार का चाल कितना है, तो चाल है AB बटा में 3 रूट 3। ठीक है, तो अब इसको हम समय निकाल लेंगे, तो समय का फार्मूला होता है समय बराबर क्या फार्मूला होता है, दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितना है भाई, तो AB बटा रूट 3, ठीक है, और बटा चाल कितना है, तो AB बटा में 3 रूट 3। ठीक है, AB बटा में 3 रूट 3। अब हम जानते हैं ना कि नीचे वाला जो है ऊपर चल जाता है, तो AB गुना 3 रूट 3 डिवाइडेड बाई, अभी रूट 3 है नीचे आएगा तो रूट 3 AB। ठीक है, तो AB से AB कैंसिल आउट होगा, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, तो समय कितना आ जाएगा हम लोगों को 3, और समय हम लोगों को सेकंड में दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 सेकंड। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगा होगा, लेकिन आप देख लो मैथमेटिक्स जो है प्रैक्टिस का चीज़ है, आप इन क्वेश्चन को देखो, जो भी लाइफ में अगर टफ लगे ना, उसको इजी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप उन चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, वो चीज़ें इजी हो जाती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा,
दोस्त इससे एक और है क्वेश्चन, आपको देखने में भले छोटा लग रहा होगा क्वेश्चन 16, लेकिन ये भी थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इसमें हम लोगों को सिद्ध करना है, ठीक है? अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कल एंड करेंगे। आज के लिए हम 15 क्वेश्चन तक ही कंप्लीट किए हैं, अगले दिन 16 नंबर को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब आपको लग रहा होगा सर छोटा सा सवाल इसको बता देते, तो छोटा सा सवाल जरूर है 16 नंबर, लेकिन इसका फिगर और ड्राइंग को समझना पड़ेगा, उसके बाद हम लोगों को सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने का भी कुछ फंडा होना चाहिए, तो इसलिए इसको करेंगे कल लास्ट। तो इस तरीके से कल हम लोगों का ये चैप्टर लास्ट हो जाएगा, फिर हम लोग परसों से यानी उसके अगले दिन से न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।